गदर से पहले ही बन चुकी थी एक और गदर। सनी देओल और अनिल शर्मा के बीच क्यों आई थी दरार और किस ओर बही गर्म हवा की कहानी, ये तो सभी जानते हैं कि साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा एक ऐसी खूबसूरत फिल्म है जो न सिर्फ एक प्रेम कहानी को दिखाती है बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों और टकराव को भी बड़ी ही सादगी से पेश किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब इस टॉपिक पर फिल्म बनी हो। इतिहास में इस फिल्म से पहले और बाद में भी ऐसी ही कई बेहतरीन फिल्में आई हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है 1961 की फिल्म धर्मपुत्र का। इसमें भारत के विभाजन को दिखाया गया था। अंग्रेजों के बीच चल रही पार्टीशन की साजिश के अलावा इसमें धार्मिक कट्टरता जाति वगैरह को लेकर सभी मुद्दों को उठाया गया था। कहानी एक हिंदू परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मुस्लिम बच्चे को अपने घर लाते हैं। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शशि कपूर, माला सिन्हा और रहमान जैसे सितारे थे। ये पहली फिल्म थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई पार्टीशन के ऊपर बनी थी। इसमें एक क्लासिक गाना था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, जो आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। आपने ऐसी तो कई फिल्में देखी होंगी जो पार्टीशन पर आधारित है और उनमें भारत की स्थिति को दिखाया जाता है, परंतु न जाने क्यों ऐसी फिल्में कम बनी है जिनमें विभाजन के बाद मुसलमानों के दुख दर्द को दिखाया गया हो, जिनमें उनकी स्थिति को दर्शाया गया हो। हालांकि 1974 में आई एम एस साथियों की फिल्म गर्म हवा बिल्कुल यही दिखाती है। बलराज साहनी, फारूक शेख, शौकत कैफी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म की कहानी उत्तर भारत के एक भारतीय मुस्लिम परिवार के बारे में है जो भारत में रहने या पाकिस्तान जाने की दुविधा से जूझ रहे हैं। वो ये तय करने से डर रहे हैं कि आखिर क्या छोड़ना चाहिए और किसका साथ निभाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं 1998 की दीप मेहता की फिल्म अर्थ की। वापसी सिद्धवा की नॉवल ट्रैकिंग इंडिया पर आधारित इस फिल्म में आमिर खान, राहुल खन्ना, नंदिता दास जैसे कलाकार थे। ये फिल्म भारत के विभाजन और लाहौर में एक पारसी परिवार के दुख दुविधाओं से बड़े सुंदर तरीके से दर्शाती है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई में फंस गए थे। क्या आप जानते हैं कि गदर एक असली कहानी पर आधारित फिल्म थी जिसमें बूटा सिंह की कहानी को दिखाया गया था, परंतु उससे पहले 1999 में भी इस कहानी पर एक फिल्म शहीद मोहब्बत बूटा सिंह बनाई गई थी। मनोज पुंज द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें गुरदास मान, दिव्या दत्ता, अरुण बख्शी, रघुवीर दास जैसे कई नामी कलाकार थे। ऐसी ही कई फिल्में और भी हैं जिनके बारे में हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। फिलहाल बात गदर की करते हैं और बताते हैं कि इस फिल्म के 20 साल पूरे हो गए हैं जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था जिसमें सनी और अमीषा के अलावा फिल्म में अमरीश पुरी का भी अहम भूमिका था। खास बात ये है कि अब इस सुपर हिट फिल्म का एक सीक्वल बनने वाला है। अनिल फिल्म के सीक्वल पर काम कर रहे हैं और फिलहाल वे स्क्रिप्ट फाइनल कर रहे हैं। हालांकि कहानी को लेकर हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए है। जी हाँ, फिल्म में कश्मीर की कहानी को दिखाया जाएगा जहाँ बताया जाएगा कि कैसे नींद से उठाकर कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर और कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था। इसी बीच एक प्रेम कहानी भी उजागर हुई। अब बात लीड कास्ट की करें तो पहली खबर थी कि फिल्म में सनी के बेटे करण देओल को कास्ट किया गया है, परंतु अब आई जानकारी से आप भी चौंक सकते हैं। दरअसल अनिल चाहते हैं कि करण की जगह अनिल के बेटे उत्कर्ष शर्मा ये लीड रोल निभाए, जिस पर सनी ने भी हामी भर दी है। साथ ही आपको बता दें कि सनी इससे इतना खुश नहीं है और उनके और अनिल के बीच कुछ मतभेद भी आ चुके हैं। खैर, बात अगर लीड एक्ट्रेस की करे तो उसके लिए सारा अली खान को साइन किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।